हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज अपन एक विशेष टॉपिक को लेके आया हूँ और आप लोगों के सामने उसको शेयर करने वाला हूँ। खास तौर से सभी स्टूडेंट्स जो कहीं ना कहीं CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोगों ने एक न्यूज़ सुनी भी होगी। और एक मैं ये कह सकता हूँ, बड़ी अच्छी बात है ये कि CSIR का जो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, जैसे CSIR है, UGC नेट है, इन दोनों का एग्ज़ाम 2018 के लगभग बाद में जो एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है वो कौन कर रहा है? NTA कर रहा है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इनके द्वारा किया जा रहा है। तो इन्होंने अभी जो नोटिफिकेशन जारी किया है जो UGC नेट का है, उन्होंने बताया है कि भाई जो इस बार जो एग्ज़ाम होगा जून 2024 के अंदर, उसमें थोड़े से कुछ चेंज, पैटर्न चेंज इन्होंने किया है। एक पैटर्न चेंज तो ये हुआ था कि तीन कैटेगरी होगी, वो तीन कैटेगरी अपन लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अभी जो नई कैटेगरी वो जो लेके आ रहे हैं, वो लेके आ रहे हैं कि ऑफलाइन मोड का बढ़ावा देना। जैसे अभी तक जो पेपर चल रहा था CSIR नेट का, आप लोग देते भी होंगे और दिए भी होंगे, कई नए स्टूडेंट्स भी हैं। तो पहले अभी तक जो पेपर चल रहा था 2018 के पहले, अगर अपन देखें तो पहले ऑफलाइन मोड में था। आपको पेपर जो है, पेपर दिया जाता था, OMR शीट दी जाती थी, एक रफ पेज दिया जाता था, आप उस पर आराम से क्वेश्चन पढ़ सकते थे, सोल्व कर सकते थे, फिजिकली आप हर चीज़ पढ़ के समझ के कर सकते थे। OMR के जो ब्लैंक वो जो है उसके सर्किल वो आप फिल करते थे, तो वो एक मेथड था। फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, तो इन्होंने NTA ने बाद में क्या कर दिया, इसको ऑनलाइन मोड कर दिया। अब कुछ चीज़ें ऐसी कंडीशन आ रही है कि हो सकता है कि जो एग्ज़ाम सेंटर है उसमें कोई एरर की प्रॉब्लम आती हो, या हो सकता है किसी में जो पेपर होता है वो लेट अपलोड होता हो, या फिर कोई भी कंडीशन ऐसी आती हो बीच में, किसी भी एरर प्रकार के कारण से पेपर दोबारा री अटेम्प्ट वाली कंडीशन आती हो, ऐसा कुछ भी कंडीशन रही होगी। लेकिन सूचना जो आई है वो फिलहाल यही है कि हो सकता है CSIR का नेट का जो एग्ज़ाम है UGC के पैटर्न के अकॉर्डिंग, इस बार जून 2024 में ऑफलाइन मोड में होने की पॉसिबिलिटी, मैक्सिमम चांस रहेंगे, ठीक है। और इसके देखो सबसे मेन चीज़ तो है कि बेनिफिट क्या है। मेरे अकॉर्डिंग तो काफ़ी अच्छे बेनिफिट हैं, क्योंकि देखो मैंने पहले वाले पेपर भी दिए हैं, अभी वाले पेपर भी दिए हैं, तो इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो कॉमन चीज़ें आती है। कॉमन चीज़ें कौन सी आती हैं कि आप लोग देखोगे कि जो पेपर आप दे रहे हो ऑनलाइन, उसमें जैसे मान लो कि CSIR के पार्ट सी की अपन बात करें, पार्ट सी में क्वेश्चन की जो लेंथ है वो ज़्यादा आती है, ठीक है ना। रिसर्च लेवल के पेपर होते हैं, रिसर्च लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, तो वो लेंथी होते हैं, तो उनको आप सोल्व करते हो तो पेज को क्या स्क्रॉल करना पड़ता है आपको, कि ऊपर इतनी बड़ी थ्योरी है, इतनी बड़ी थ्योरी के बाद में उसके चार ऑप्शंस है, चार ऑप्शंस के बाद में आपको नीचे ऑप्शन मिलेंगे ए और बी, बी और सी, सी और डी, फिर आपको करना पड़ता है। तो ऐसे वाले जो क्वेश्चंस आते हैं जो एक पेज में नहीं आ सकते, उनको आपको माउस से क्या करना पड़ता है, स्क्रॉल करना पड़ता है, और एक पेज में आप उसको समझ नहीं पाते हो। तो काफ़ी स्टूडेंट्स इस चीज़ को मतलब फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो उनके लिए और इंक्लूड मी, तो मेरे अकॉर्डिंग भी यही है, अगर ऑफलाइन मोड में पेपर होता है देन काफ़ी बेटर होगा कंपेयर टू ऑनलाइन। देखो ऑफलाइन में जैसे मान लो आपके सामने सिंपल सी बात है, अपने पास में एक कॉपी पेपर पड़ा है, यहाँ पर अपन क्या करते हैं, आराम से इजीली वे में आराम से पढ़ते हैं, अंडरलाइन करके पढ़ते हैं, पेंसिल से पढ़ सकते हो, पेन से पढ़ सकते हो, आराम से आप अंडरलाइन करके पढ़ते हो और एक एक चीज़ को इजीली आप समझने की कोशिश करते हो, ठीक है, माइंड कॉन्सेंट्रेट रहता है वहाँ पर। कभी माउस को देखना, कभी ऊपर देखना, कभी नीचे देखना, वो चीज़ें कई डिस्टर्बेंस वाली चीज़ें होती है। ऑफलाइन मोड में काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है सोल्व करना पेपर, उसी टाइम पर आप उसको सोल्व कर सकते हो, कोई चीज़ें कर सकते हो, ठीक है ना। ये काफ़ी ज़्यादा माइंड को जो कॉन्सेंट्रेट करने वाला चीज़ है वो ऑफलाइन मोड है। अगर पेपर मोड पे आप क्वेश्चन सोल्व करते हो, काफ़ी इजी होता है और काफ़ी मतलब स्कोर जो आपका है उसमें कम से कम भी आप ये मान लो कि 2-4% का स्कोर का भी फ़र्क पड़ेगा आपके, अगर आप लोग ऑफलाइन मोड में बैठोगे तो। तो इसलिए अभी जो ऑफलाइन मोड की जो बात चल रही है कि पेपर भी ऑफलाइन होगा और OMR दी जाएगी आपको फिलअप करने के लिए। एक इसमें हो सकता है कि भाई जो इसके ऐसा नेगेटिव जो फैक्ट है, वैसे तो कुछ नहीं है नेगेटिव, लेकिन एक कंडीशन हो सकता है कि रिजल्ट है थोड़ा डिले होगा। जैसे मान लो अभी लगभग एक महीने में रिजल्ट आ जाता है, तो हो सकता है उस टाइम में 1.5-2 महीने में रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। ये ज़रूर इतना सा है, अदरवाइज ऑनलाइन से ऑफलाइन जो एग्जामिनेशन होगा वो काफ़ी बेटर होगा, काफ़ी बेटर आपको रिजल्ट देगा, देखना इस चीज़ में। तो सभी स्टूडेंट जो भी नए हैं वो भी सभी को आइडिया होगा, मैंने लास्ट में वीडियो बनाए भी हैं, पेपर पैटर्न कैसा होता है, सिंगल पेपर होता है, एक ही पेपर में तीन पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट
सी, अगर आप लोग बोटनी से हो, जूलॉजी से हो, माइक्रोबायोलॉजी से हो, बायोटेक्नोलॉजी से, बायोकेमिस्ट्री से, इसका मतलब, कहने का मतलब है कि आप बायोलॉजी की किसी भी स्ट्रीम, किसी भी ब्रांच से हो, तो आपका जो CSIR नेट का फॉर्म अभी निकलने वाला है, किस सब्जेक्ट से फिल करोगे आप? लाइफ साइंस से आपको फॉर्म को फिलअप करना है। अब जैसे ही एग्ज़ाम होगी, आपको फॉर्म फिलअप करते टाइम पे आपको डालना है उसमें मीडियम हिंदी, ठीक है? हिंदी मीडियम डालोगे तो उसमें दोनों ऑप्शन आते हैं, ए और मतलब इंग्लिश और हिंदी मीडियम, तो इजीली आप उसको पेपर को समझ सकते हो। पेपर सिंगल होगा, ऑब्जेक्टिव होता है, इसमें तीन पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में जो क्वेश्चन कितने होते हैं, 20 होते हैं, करने कितने होते हैं, केवल 15 करने होते हैं, जनरल एप्टीट्यूड का होता है ये। पार्ट बी में अपन देखेंगे तो आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं, छोटे वाले क्वेश्चन होते हैं, आपके सब्जेक्ट के होते हैं, जैसे अपन बात करें लाइफ साइंस के होते हैं, ठीक है? तो लाइफ साइंस में 50 क्वेश्चन में से बी पार्ट में आपको केवल 35 क्वेश्चंस करने हैं, प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होगा। सी पार्ट जो देखेंगे अपन, वो रिसर्च लेवल का होता है, काफ़ी लेंथी होता है, डीपली पेपर होता है, उसमें आपके कितने क्वेश्चन आते हैं, 75 आते हैं, करने कितने होते हैं, केवल आपको 25 क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का होगा, ठीक है? तो इस प्रकार से इसका पेपर पैटर्न होता है। लगभग कट ऑफ जो जाती है, 200 नंबर का पेपर होता है, कट ऑफ आपको 100 से लेकर 110, 115 नंबर के आसपास में कट ऑफ जाती है, 50 से 55% के आसपास कट ऑफ मैक्सिमम चांसेस इसकी रहते हैं, ठीक है? ये इसका पेपर है। आप लोगों को सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, नए जो भी कैंडिडेट हैं जो इस एग्ज़ाम में इन्वॉल्व होने वाले हैं, अपीयर होने वाले हैं, उनको ध्यान रखना है। आप बोटनी से हो, जूलॉजी से हो, बायोलॉजी की किसी भी ब्रांच इंक्लूडिंग बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री हो सकती है, कोई भी हो सकती है, सभी को आपको सब्जेक्ट फिल करना है लाइफ साइंस, ये बस आपको याद रखना है, और CSIR में आपको अप्लाई करना है। तो इस बार ऑफलाइन होने की संभावनाएं ज़्यादा है, और अच्छा होगा आपको देखना, आप खुद अपीयर जब होंगे इस एग्ज़ाम में तब आपको लगेगा कि हाँ यार, ऑफलाइन पेपर में काफ़ी बेस्ट है कंपेयर टू ऑनलाइन। इसलिए काफ़ी ज़्यादा NTA ने जो सोचा है वो कुछ सोच के सोचा होगा, कुछ समझ के किया होगा, तो जो भी डिसीजन इनका आएगा अपन उसको एक्सेप्ट करेंगे, अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन करेंगे, और आप लोग प्रिपरेशन कर भी रहे होंगे। इस बार फॉर्म निकलने में थोड़ा सा डिले हो रहा है, जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया भी था, बताया भी था मैंने अभी, कि कई कारण है, इलेक्शंस के कारण है, नया पैटर्न है वो भी कारण हो सकता है, ऑफलाइन मोड आने वाला है, हो सकता है ये भी डिले है तो इसका कारण भी हो सकता है, एग्ज़ाम भी हो सकता है आपका जुलाई के अंदर हो, तो सभी चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ है, जुलाई में एग्ज़ाम हो सकते हैं इस बार, तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको सभी चीज़ें समझ में आई होगी कि कैसा क्या होने वाला है, और फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए, तो उसका भी मैं रिप्लाई दूंगा। और ख़ास तौर से आप लोग CSIR नेट के साथ साथ में, अगर आप लोग RPSC के तहत राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर की बायोलॉजी सब्जेक्ट से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये बुक हालांकि सब लोगों ने देख ली होगी, फिर भी अगर आप लोग कोई कैंडिडेट, ऐसा नया कैंडिडेट है, तो ये बुक है RPSC फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर बायोलॉजी के लिए। इसमें लास्ट ईयर के शॉर्ट पेपर हैं, इसके अलावा इसमें हैंड राइटिंग नोट्स भी अवेलेबल हैं, PG यूनिट के, जो लास्ट PG यूनिट है, थर्ड यूनिट है बायोलॉजी में सिलेबस में, उसके हैंड राइटिंग नोट्स हैं। तो ये आप लोग फ्लिपकार्ट पे, शॉपसी पे, या फिर बाई पोस्ट भी आप लोग ले सकते हो। आपको सिर्फ इतना ही सर्च करना है, RPSC बायोलॉजी फर्स्ट ग्रेड बुक के नाम से आपको सर्च करते ही मिल जाएगी। फिर भी आप कमेंट में सेक्शन में कर दीजिए, मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा। तो आज के लिए अपनी जो वीडियो है या क्लास कंप्लीट होती है। थैंक यू फ्रेंड्स।